हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ बैंकिंग और एसएससी में। तो देखो, हम लीनियर इक्वेशन में आप लोगों को पढ़ा रहा था, जहां पे ऑलरेडी मैंने तीन चार वीडियो देख रखा है कि लीनियर इक्वेशन को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस उसका जो रेशियो वाला टाइप है वो कैसे करते हैं, या फिर कुछ कोएफिशिएंट इक्वेट करके वो कैसे करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये इतना बड़ा बड़ा जो है, जहाँ पे कि कोएफिशिएंट भी एक्स या कांस्टेंट का इक्वल नहीं होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी एग्जामिनर अगर इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देता है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि ये टाइम फ्रेम वाला एग्जाम है, तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है ताकि आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, तो देखो आपको एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। आप सिंपली सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वाले में एक चीज ऑब्जर्व कर लेना। देखो जैसे यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 999, और वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 888। लेकिन वही दूसरे वाले इक्वेशन में जब आप देखोगे तो एक्स के साथ क्या आ गया, ये 888 जो यहाँ पे था अभी एक्स के साथ आ गया, और जो 999 पहले x के साथ था वो अभी कहां पे आ गया, y के साथ आ गया। मतलब क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोएफिशिएंट x और y का इंटरचेंज हो रहा होगा, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए देखो आपको एक काम करना है कि आपको ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा। आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से और दो इक्वेशन फ्रेम करना है और उसको आपको सॉल्व करना है। वो दो इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक बार इन दोनों नंबर को ऐड कर देना आप। तो देखो जब हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17। 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18। 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, तो ये हो गया 1887x। और एज देखो यहाँ पे भी तो वही नंबर है ना, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, 1887y, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया देखो, 2 प्लस 5 क्या हो गया, 7। 3 प्लस 5 8। 13 प्लस 5 18। तो यहां से जो इक्वेशन मिला क्या मिल रहा है, 1887x plus 1887y, that is equal to 1887। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां से हम लोग 1887 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग 1887 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x plus y, that is equal to 1887। तो देखो ये इससे ये कट गया पूरी तरह से वन टाइम। तो यहां से आपको एक इक्वेशन क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया x plus y equal to 1। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। अभी दूसरी बार मुझे क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशन, इन दोनों को माइनस कर लेना है। तो जब माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। तो अभी देखो यहाँ पे 999 में से 888 जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 111x। ठीक है, अभी देखो इन दोनों को माइनस करोगे, नीचे वाला जो वैल्यू है 999 वो बड़ा है, मतलब नेगेटिव वाला बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, और माइनस सबस्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालने पे तो सेम ही नंबर आएगा, मतलब क्या मिलेगा, 111y, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो इसको माइनस करोगे 12 में से 5 जाएगा क्या हो गया 7, ये 2 हो गया, मतलब 12 में से 5 गया क्या हो गया 7, और 12 में से 5 गया 7। तो यहां से हम लोग इस बार क्या कॉमन ले सकते हैं, 111 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 777, ये कट गया कितने टाइम, 7 टाइम। तो यहां से और एक इक्वेशन आपको मिल गया, x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पे क्या मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया, 7। अभी देखो ये दो सिंपल सा छोटा इक्वेशन आ गया जिसको आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड अभी आप जानते हो, नहीं तो आप सिंपली ऐड भी कर सकते हो। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स इक्वल टू मिलेगा 8, तो x का वैल्यू क्या मिल गया 4, और x का वैल्यू 4 पुट करेंगे मान लो यहाँ पे, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3। तो यहां से इसका मतलब ये है कि मुझे x का वैल्यू 4 मिला और y का वैल्यू क्या मिला, माइनस का 3। तो देखो इस तरीके से आपको एग्जाम में इसको सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करने स्टार्ट कर दोगे तब तो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि एग्जामिनर अगर कुछ क्वेश्चन देता है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, चलो और एक दो क्वेश्चन से मैं इसको और अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं। तो चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, देखो x का कोएफिशिएंट 31 था जो कि बाद में y का हो चुका है, और y का कोएफिशिएंट जो है वो x के पास चला गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक बार दोनों को इक्वेशन को एक बार ऐड कर दोगे। तो देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 30 प्लस 20 54, तो आपको मिलेगा 54x प्लस इन दोनों से भी क्या मिल जाएगा, 54y, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया, इन दोनों को आप ऐड करोगे ये भी क्या आ गया, 54। तो यहाँ से हम लोग 54 जो होगा कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 54, ये कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, फिर से एक इक्वेशन क्या मिल गया, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद इसको माइनस करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस,
तो इन दोनों को 31 से 23 जाएगा, क्या मिलेगा 8x। नीचे यहाँ पे देखो नेगेटिव वाला साइन बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, और 31 से 23 माइनस करोगे क्या मिलेगा 8y, और इन इसको माइनस करोगे 9 में से 5 गया क्या हो गया 4, और यहाँ पे मिलेगा 2। तो यहाँ से हम लोग 8 जो हो गया कॉमन ले लेते हैं, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से आपको क्या मिला एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, फिर आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, एक बार ऐड कर दो, इसको ऐड करोगे तो ये क्या हो गया कट गया, तो क्या मिलेगा ट्वाइस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आपको क्या मिल गया 2, और एक्स का वैल्यू 2 पुट कर देंगे अगर तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो वाई का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1। तो सिंपली देखो यहाँ से कितना जल्दी मिल गया एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक, हमको एक बार ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, चलिए और भी एक इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझते हैं चीजों को। तो जैसे मान लो यहाँ पे देख रहे हो कि कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स के साथ 37, यहाँ पे वाई के साथ 37, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे एक बार ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे देखो 30 प्लस 40 70, 3 प्लस 7 प्लस 3 10, मतलब क्या हो गया 80। तो ये हो गया 80x, ये भी सेम ही होगा, प्लस 80y दैट इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे आप तो 123 प्लस 100 223 प्लस 17 240। तो यहाँ से 80 कॉमन ले लेंगे हम लोग, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 240, तो ये 80 से कट जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन क्या मिल रहा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 3। ठीक है, अभी एक बार इसको माइनस कर लेते हैं, तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो अभी देखो इस बार क्या हो रहा है 37 माइनस 43, 43 वाला बड़ा है तो यहाँ से नेगेटिव में आएगा, क्या मिलेगा आपको इसको माइनस करने से माइनस का 6x, यहाँ पे पॉजिटिव वाला बड़ा है तो क्या मिलेगा प्लस 6y दैट इज इक्वल टू, इसको अगर आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 6। ठीक है, तो देखो यहाँ से आप 6 भी कॉमन ले सकते हो या फिर माइनस 6 भी कॉमन ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। चलो मैं केवल 6 ही कॉमन ले लेता हूँ, तो अगर मैं केवल 6 कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा माइनस का एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6, तो ये कट जाएगा 1 टाइम, मतलब मुझे सिंपली यहाँ से क्या मिल रहा है माइनस का एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या मिला 1। तो अभी आप इसको ऐड कर दो, तो ये x वाला इस बार कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको ट्वाइस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 4, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 यहाँ पे पुट कर लो क्या हो गया x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा 3 माइनस 2 विच इज 1, तो आपको x का वैल्यू क्या मिला 1 और y का वैल्यू क्या मिला 2। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जहाँ पे भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहा है आपको क्या करना है, वहाँ पे सिंपली दोनों को ऐड करना है और सिंपली दोनों को माइनस करना है और वहां से दो इक्वेशन फ्रेम करके उसको फटाफट सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे आप देखो चाहो तो थोड़ा स्टेप कटआउट कर सकते हो, जैसे मान लो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से 80 कॉमन होगा, तो मैं सिंपली यहाँ से 80 काट के इसको 3 टाइम्स कर देता और डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे तो ये स्टेप सारा कटआउट हो जाए। तो देखो ये जो कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला जो है लीनियर इक्वेशन, इसका लॉजिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जो दो क्वेश्चन है ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है हमको कमेंट करके बताना है। मैं सबका रिप्लाई करके बता दूंगा कि किसका आंसर सही है, या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में तो वो भी बोलना, मैं फिर से और दो तीन क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करवाने के लिए एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए हमारे।